छठ पर्व के मौके पर तैलिक जन कल्याण ट्रस्ट के सौजन्य से छठ व्रती माताओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद का वितरण करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष व बिहार शरीफ विधानसभा के आरजेडी पूर्व प्रत्याशी सुनील कुमार ने कहा कि हमारी ट्रस्ट धार्मिक सामाजिक सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। छठ हिंदुओं का महान पर्व है, इसलिए छठ व्रत की माताओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया है। साथ ही साथ लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई है। उन्होंने बताया कि अलीनगढ़, खंदकपर, मोहद्दीनगढ़, मथुरिया मोहल्ला और सोहसराय में शिविर लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। ये तैलिक जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से छठ व्रतियों के लिए प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जो हम लोगों ने इस बार शुरू किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हम लोगों से संभव हो, हमारी टीम से संभव हो, ये कार्य करते रहेंगे। ये धर्म का काम है, जिससे हम लोगों का मनोबल और आत्मबल बढ़ेगा, इसमें हम लोगों को सदबुद्धि आएगी। क्या शुभकामना देना चाहेंगे आज? हम सभी छठ व्रतियों को ये शुभकामना देना चाहते हैं कि छठ माँ हर मनोकामना उनकी पूर्ण करे और निरोगी रखे उन्हें।